बी लव डेप ये एक टेप टू अर्न प्रोजेक्ट है और ये कंपनी बी लव डेप के अंदर $1 बिलियन का एयरड्रॉप डिस्ट्रीब्यूशन करने जा रहा है। आज तक का जितना टेप टू अर्न प्रोजेक्ट आया है इनमें से सबसे बड़ा एयरड्रॉप डिस्ट्रीब्यूशन करने जा रहा है बी लव डेप। अगर बी लव डेप की एक्सचेंज लिस्टिंग की बात करें तो एक्सचेंज लिस्टिंग का जो अनाउंसमेंट है वो 28 अक्टूबर को हो चुका है और 30 नवंबर को ये एक्सचेंज पर ट्रेड होने जा रहा है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि बी लव डेप के अंदर आप किस तरीके से रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और $1 बिलियन का जो एयरड्रॉप है इसमें किस तरीके से आप पार्टिसिपेट कर सकती हैं। तो दोस्तों बी लव डेप के अंदर रजिस्ट्रेशन करने के लिए सबसे पहले आपको करना क्या है, आपको जाना है अपनी प्ले स्टोर पर और प्ले स्टोर पर जाने के बाद में यहाँ पर आप सर्च करेंगे बी लव डेप। यहाँ पर आप टाइप करेंगे बी लव डेप और यहाँ पर आप सर्च करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर बी लव डेप जो एप्लीकेशन है ये मेरे सामने आ चुका है। सबसे पहले इस एप्लीकेशन को अपने फ़ोन पर इंस्टॉल कर लेना है। जैसे कि इस एप्लीकेशन को मैं पहले से इंस्टॉल करके रखा हो तो मैं यहाँ से ओपन करता हूँ। तो एप्लीकेशन को ओपन करने के बाद में आपके सामने ये पेज आएगा, यहाँ पर अपना अपलाइन का जो रेफरल कोड है वो कोड आपको यहाँ पर डालना है। अगर आपका कोई अपलाइन नहीं है तो डिस्क्रिप्शन पर बी लव डेप का रेफरल कोड मिलेगा, वो कोड आप यहाँ पर डाल सकती हैं और उसके बाद में यहाँ पर आप कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपको एक चीज़ का ध्यान रखना होगा, यहाँ पर आपको मिस्टेक से भी स्किप नहीं करना है, आपको कंटिन्यू पर क्लिक करना है। तो यहाँ पर मैंने एक रेफरल कोड जो है वो कॉपी किया था, यहाँ पर मैं इसको पेस्ट करता हूँ और इसके बाद में यहाँ पर मैं कंटिन्यू पर क्लिक करता हूँ। तो यहाँ पर मैं बी लव डेप के अंदर सक्सेसफुली रजिस्टर हो चुका हूँ, ठीक है। इसके बाद में यहाँ पर इस एप्लीकेशन को किस तरीके से यूज़ करना है, किस तरीके से आपको बूस्ट करना है, कैसे आपको यहाँ पर कार्ड्स बाय करना है, यानी कि इस एप्लीकेशन को यूज़ करने का फुल प्रोसेस का वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन पर मिलेगा, आप इसको देख सकते हैं। तो दोस्तों इसी तरीके से बी लव डेप के अंदर आप रजिस्ट्रेशन कर सकती हैं और एक अच्छा खासा यहाँ से आप जो है एयरड्रॉप ले सकती हैं।